हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सईद और आप देख रहे हैं एनिमे इंडिया। तो चलिए ज़्यादा बवक ना करके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो एज़ यूजुअल आपको हर एनिमे का एक स्पेसिफिक असाइन नंबर मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। सो वीडियो को केयरफुली देखिए जिससे कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फर्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला एनिमे सीरीज़ है डेमन स्लेयर। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब करे द सोल डबर्स। तो प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 22 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 23 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 23 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने एक डेमन स्लेयर के ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन इस बार का न्यूज़ सही है। सो चलिए एपिसोड 24 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। एज पर द अपडेट्स गिवन बाई द सोल डबर्स, एपिसोड 24 शायद नेक्स्ट वीक को रिलीज हो सकता है। ये कोई कन्फर्म रिलीज डेट नहीं है लेकिन एक पॉसिबल रिलीज डेट है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 24 के लिए नेक्स्ट वीक तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है वायलेट एवरगार्डन। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाई वी आर इनसेन। तो अगर हम इस सीरीज के बारे में बात करें तो इस सीरीज के टोटल 13 एपिसोड्स है सीजन 1 में, और अगर हम हिंदी डब एपिसोड्स के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही एपिसोड हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है, एपिसोड 1। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 2 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाई द वी आर इनसेन, एपिसोड 2 का 70% वर्क कम्प्लीट हो चुका है लेकिन रिलीज डेट अभी तक कन्फर्म नहीं है। लेकिन जब भी रिलीज डेट कन्फर्म होगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है गार्डन ऑफ सिनर्स। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द इंटेंस ओटाकू। तो अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो इस सीरीज़ के टोटल 7 चैप्टर्स है जिसमें से एक भी चैप्टर हिंदी डब में अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द इंटेंस ओटाकू, चैप्टर 1 को हिंदी में डब किया जा रहा है और इसका चैप्टर 1 का रिलीज डेट भी कन्फर्म है जो है 1 जून। तो 1 जून को इस सीरीज़ का चैप्टर 1 को रिलीज़ किया जाएगा हिंदी डब में। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं इस सीरीज़ के चैप्टर 1 के लिए 1 जून तक। तो चलिए नेक्स्ट एनिमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द सोल डबर्स। तो अगर हम इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 16 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 17 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 17 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 18 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द सोल डबर्स, एपिसोड 18 को इसी वीक में रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 18 के लिए। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है पोकेमॉन ट्वाइलाइट विंग्स। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द एनीप्लेक्स टीम डबर्स। प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 1 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 3 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द एनीप्लेक्स टीम डबर्स, एपिसोड 3 7 जून को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 3 के लिए 7 जून तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है डायबोलिक लवर्स। इस एनिमे सीरीज़ को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द एनीप्लेक्स टीम डबर्स। प्रीवियसली इस सीरीज़ को एपिसोड 1 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज़ किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 3 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द एनीप्लेक्स टीम डबर्स, एपिसोड 3 4 जून को रिलीज़ किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 3 के लिए 4 जून तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज है 2.43 शिन हाई स्कूल बॉयज़ वॉलीबॉल क्लब। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द स्पाइडर डबर्स।
प्रीवियसली इस सीरीज को एपिसोड 1 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 3 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द स्पाइडर डवर्स एपिसोड 3 3 जून को रिलीज होगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 3 के लिए 3 जून तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे सीरीज है हायोका। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाई वी आर इनसेन। तो प्रीवियसली इस सीरीज को एपिसोड 3 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली नहीं बहुत पहले ही इस सीरीज का एपिसोड 4 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। सो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 4 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। तो अगर हम एपिसोड 5 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द वी आर इनसेन एपिसोड 5 जून के 3rd या 4th वीक में रिलीज हो सकता है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 5 के लिए जून के 4th वीक तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है रियल लाइफ। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय वी आर इनसेन। तो अगर हम इस सीरीज के बारे में बात करें तो इस सीरीज को प्रीवियसली एपिसोड 9 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 10 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 10 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। और अगर हम एपिसोड 11 के रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द वी आर इनसेन एपिसोड 11 जून के 1st वीक को आएगा। तो चलिए हम सब लोग एपिसोड 11 के लिए जून के 1st वीक तक वेट करते हैं। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे है डॉक्टर स्टोन सीजन 2। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया गया है बाय द ऑल फेडेक्स। तो अगर हम इस सीरीज के बारे में बात करें तो इस सीरीज के सीजन 2 में टोटल 11 एपिसोड्स हैं। लेकिन अगर हिंदी डब एपिसोड्स के बारे में बात करें तो इस सीरीज का सिर्फ 2 ही एपिसोड हिंदी डब में अवेलेबल है, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2। तो अगर हम एपिसोड 3 के ऊपर बात करें तो एपिसोड 3 के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है कि कब रिलीज होगा या कोई पॉसिबल रिलीज डेट कुछ भी नहीं है। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं कब रिलीज डेट कन्फर्म होगा। और जब भी रिलीज डेट कन्फर्म होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है वन पीस क्लॉकवर्क आइलैंड एडवेंचर। इस एनिमे मूवी को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द डीवीए एनिमे वर्ल्ड। तो अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो इस मूवी का डबिंग, एडिटिंग, साउंड ट्रैक बनाना और बाकी सारे काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है और रिलीज डेट भी कन्फर्म है। सो अगर रिलीज डेट के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द डीवीए एनिमे वर्ल्ड रिलीज डेट 7 जून को है। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं इस मूवी के रिलीज़ के लिए 7 जून तक। तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे मूवी है जोशी द टाइगर एंड द फिश। इस एनिमे मूवी को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द डीवीए एनिमे वर्ल्ड। तो अगर हम इस मूवी के बारे में बात करें तो मूवी के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। इसका डबिंग, एडिटिंग, साउंड ट्रैक बनाना और बाकी सारे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर रिलीज डेट के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द डीवीए एनिमे वर्ल्ड इस मूवी को शायद 15 अगस्त को रिलीज किया जा सकता है। ये एक पॉसिबल रिलीज डेट है, कंफर्म रिलीज डेट नहीं है। लेकिन चलिए वेट करते 15 अगस्त तक और देखते हैं ये मूवी रिलीज किया जाता है या नहीं 15 अगस्त को। तो तब तक के लिए चले चलते हैं नेक्स्ट एनिमे की तरफ। तो हमारा लास्ट एनिमे सीरीज है द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2। इस एनिमे सीरीज को हिंदी में डब किया जा रहा है बाय द FFI एनिमे डबर्स। तो अगर हम इस सीरीज के बारे में बात करें तो प्रीवियसली इस सीरीज को एपिसोड 1 तक हिंदी में डब किया गया था और रिसेंटली एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाकर देखिए। तो अगर हम एपिसोड 3 का रिलीज डेट और बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो एज पर द अपडेट्स गिवन बाय द FFI एनिमे डबर्स एपिसोड 3 को आज रिलीज किया जाएगा, यानी 31st मई को रिलीज किया जाएगा। तो चलिए हम सब लोग वेट करते हैं एपिसोड 3 के लिए। तो आज का हिंदी डब एनिमेस का अपडेट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के बिना मत जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।